अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर मयंक अरोरा फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन टूडे वील बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा ये बहुत कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है डायबिटीज़ मलाइटिस होता क्या है डायबिटीज मलाइटिस को हिंदी में मधुमेह कहते हैं ये बीमारी क्या है डायबिटीज मलाइटिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर का रक्त में बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स का बढ़ जाना को डायबिटीज मलाइटिस कहते हैं अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाई डायबिटीज मलाइटिस टिल डेट दुनिया भर में 60 करोड़ लोग और अकेले हिंदुस्तान में 70 से 80 लाख लोगों को डायबिटीज की बीमारी है अब ये बीमारी है क्या कौन है वो लोग जो इसके रिस्क में हैं क्या इसके लक्षण हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे ना हु आर दी पीपल एट रिस्क ओबेसिटी यानी मोटापा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस यानी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को शुगर होना इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज दे आर दी पीपल एट रिस्क मोटापा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज परिवार में किसी को भी शुगर की बीमारी होना माता पिता या भाई बहन तो आप में चांसेस हैं कि आपको शुगर की बीमारी हो सकती है स्मोकर्स एल्कोहलिक्स शराब सिगरेट पीने वाले लोगों में पीसीओडी महिलाओं में जिन्हें पीसीओडी की बीमारी है साथ साथ अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस गर्दन पे चमड़ी का मोटा होना ये अकेथोसिस नाइग्रिकेंस होता है काली मोटी चमड़ी वेलवेट जैसी उसे अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं ये साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है ऐसे लोगों में शुगर का होने के चांसेस रहते हैं जब हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कराते हैं उसमें एच लेवल्स का कम होना लेस देन थर्टी फाइव या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा मोर देन टू फिफ्टी मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऐसे लोगों में शुगर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं इसके अलावा क्या लक्षण हैं जो शुगर के मरीजों में पाए जाते हैं पॉली यानी पेशाब का ज़्यादा आना पॉलीडिप्सिया मुंह सूखना और प्यास ज़्यादा लगना अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी बिना कारण वज़न कम होना इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन्स बार बार स्किन के इन्फेक्शन्स होना महिलाओं में पेशाब की जगह खुजली आदमियों में पेशाब की जगह खुजली इसके अलावा हाथ पैरों में सुनपना झंझनाट चीटी चलने आग जैसे लगना इसे एंड स्टॉकिंग एनिस्थीजिया कहते हैं इसके अलावा वजन का कम होना बिना कारण वजन कम होना आंखों से धुंधला दिखना थकान अथवा कमजोरी लथाजी एंड वीकनेस ये सभी लक्षण हैं जो शुगर के मरीजों में पाए जाते हैं अगर आप में इनमें से कोई से भी लक्षण है तो हमें अपने शुगर लेवल्स चेक कराने चाहिए और वो बढ़े हुए हों तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब कैसे हम डायबिटीज को डायग्नोज करें वॉट इज वे टू डायग्नोज डायबिटीज थ्री वेज टू डायग्नोस्टिड तीन तरीके हैं शुगर की बीमारी पकड़ने के लिए डायबिटीज ब्लड ग्लूकोजर खाली पेट शुगर अगर 126 से है तो उसे हम शुगर कहते हैं खाने के बाद दो सौ से ऊपर किसी भी समय आए खाने के सही दो घंटे बाद तो उसे शुगर कहते हैं एंड एच बी एनसीच गिव एन एवरेज ऑफ द्री मंथ पिछले तीन महीने का एवरेज अगर वो साढ़े छः या उससे ऊपर है तो उसे शुगर कहते हैं लोग हमसे अक्सर जानना चाहते हैं कि शुगर्स के क्या लेवल होने चाहिए खाली पेट हमारे लेवल सौ से कम रहने चाहिए एक सौ एक से एक सौ पच्चीस यानी वन जीरो वन से वन ट्वेंटी फाइव अगर शुगर लेवल्स हैं तो इसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज कहते हैं खाने के बाद की शुगर टू आवर्स पोस्ट प्रैंडल अगर हमारे शुगर लेवल्स वन फोर्टी वन से वन नाइन्टी नाइन नां तक हैं तो हम इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटीज़ कहते हैं ऐसी एच बी ए वन सी अगर 5.6 से कम है तो वो नॉर्मल है 5.7 टू तो 6.4 अगर ये है तो इसे प्री डायबिटीज कहते हैं आप में अगर शुगर के कोई भी लक्षण आए जो मैंने आपको बताए इनमें से कोई भी अगर लक्षण आप में हैं आपके नियर एंड डियर वंस में हैं तो हमें अपने शुगर लेवल्स चेक कराने हैं और बढ़े हुए हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाना है थैंक यू